अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक किस्म के ट्राइफल के साथ हाजिर हैं जिसकी की रेसिपी हमने आपको 2 मिनट्स में देनी है। ये रेसिपी जो है ये हमने ईद के मौके पर तैयार की थी। तो सबसे पहले हमने लेडी फिंगर्स ले लेनी है जो कि टिरामिसू में भी यूज़ होती हैं। इनको हमने अपने बाउल के बेस में लगा लेना है। इसके बाद हमने ये ड्रिंक ली है जो कि पैशन फ्रूट है, तो करीबन 1 कप हमने ये इसमें डाल ली होगी या आधी बॉटल। ये हमारे पास कैन है, क्रश्ड पाइनएप्पल भी ले सकते हैं और डाइस्ड भी ले सकते हैं। तो हमने डाइस्ड डाला है और इसका सारा जो जूस है वो भी डाल देना है जो कैन में होता है। ऊपर से हमने थोड़ा सा ड्रिजल किया है मीठा दूध, कंडेंस्ड मिल्क। ये हमने डाले मिक्स फ्रूट और ये सारे के सारे जो हैं अपने जूसेस के साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं, फ्रूट सैलेड जिसे कहते हैं। इसके बाद ये हमारे पास थिक कस्टर्ड है तो गाढ़ा वाला लेना है, उसको हमने इस तरह अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। वनीला कस्टर्ड है, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ये हमने जेली घोली है, जितना पैकेट पे लिखा होता है जेली का रेशो उससे आधा कप पानी आपने कम डालना है। अगर 2 कप लिखा हो एक पैकेट पे तो 1.5 कप से बनाएं। तो जिस वक्त ये जेली गाढ़ी होने लगे, जमने लगे, उस वक्त आपने इसको कस्टर्ड के ऊपर पोर करना है। अगर आप जल्दी पोर कर देंगे तो सारा कस्टर्ड जो है वो जेली में मिल जाएगा। और जिस वक्त आप पोर करें नीचे एक फ्लैट चमचा जो है वो आप रख लें ताकि जब आप जग से पोर करें तो चमचे पे उसका जो फ्लो है वो जाए, वो बिल्कुल कस्टर्ड पे ना जाए, वरना यह है कि कस्टर्ड उसमें मिल जाएगा। तो इसको हमने जमने के लिए फ्रिज में रख देना है और कल सुबह जब हम इसको निकालेंगे ईद वाले रोज़ तो इसके ऊपर हमने थिकंड क्रीम जो है वो डालनी है। वैसे ही थिकंड क्रीम आप डाल दें वो उसके ऊपर ही रहेगी। बहुत ही मज़ेदार ट्राइफल सा जो है ये तैयार होता है और कई रोज़ तक आपके फ्रिज में भी ये फ्रेश रहता है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।